हम लोग पढ़े थे लेंटी सेल्स के बारे में, कि लेंटी सेल्स जो हैं ये भी स्मॉल पोर्स होते हैं, लेकिन ये प्लांट के वुडी स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स से अगर हम कंपेयर करें तो लीव्स में स्टोमेटा है, स्टोमेटा भी स्मॉल पोर्स ही हैं, लेकिन लेंटी सेल्स उनसे डिफरेंट हैं बिकॉज इसके अराउंड कोई भी गार्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरी पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो थे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, कि लेंटी सेल्स की जो पोजीशन है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये बार्क में मौजूद होते हुए भी गैशियस एक्सचेंज बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी पोजीशन थोड़ी सी रेज्ड होती है, वो रेज्ड पोजीशन होने की वजह से क्या होता है कि लेंटी सेल्स का एनवायरनमेंट से एक्सपोजर जो है वो बहुत बेटर हो जाता है। एक्सपोजर जितना बेटर होगा, जितना ज़्यादा होगा गैशियस एक्सचेंज उतना ही अच्छा होगा प्लांट का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यंग स्टेम के, सॉरी यंग रूट के, यंग रूट्स में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है। यंग रूट्स जो हैं ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और इसकी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो इतनी हार्ड नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर जितना सॉफ्ट होगा उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा इजी हो जाती है, इसलिए यंग रूट्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट लाइक स्टोमेटा और लेंटी सेल्स। यंग रूट्स की जो सरफेस है वो ही बहुत अच्छा गैशियस एक्सचेंज के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है। तो यंग रूट्स अपनी गैसेस को एनवायरमेंट से अपनी सरफेस के थ्रू ही एक्सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यंग रूट्स की बात करें, वो सॉइल में है अगर, तो सॉइल से ही गैसेस एब्जॉर्ब करेंगी और एक्स्ट्रा गैसेस को सॉइल में ही इमिट करेंगी, लेकिन इसमें वो सिर्फ अपनी सरफेस को यूटिलाइज़ करेंगी। और अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है या फिर कोई प्लांट पानी में ग्रो करे तो उसकी भी यंग रूट्स जो है वो अपनी सरफेस से ही वाटर में गैसेस को रिलीज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये टेरिस्ट्रियल हार्श एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर सकते, इसलिए ये वाटर में ग्रो करते हैं। अब ये वाटर में ग्रो करें तो इनके स्ट्रक्चर्स भी उसी तरह से डिज़ाइन होंगे। इनके पास ना तो हार्ड स्टेम होगी ना ही हार्ड या मेच्योर रूट्स होंगे। अब अगर बार्क या वुडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है तो लेंटी सेल्स भी नहीं होंगे, तो इनमें गैसेस का एक्सचेंज होगा कैसे? इसमें प्लांट सिंपली अपने सराउंडिंग वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं थ्रू डिफ्यूजन। अब गैसेस की डिफ्यूजन हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। अब एनवायरनमेंट से सिंपली ये गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्स्ट्रा गैसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि ड्यूरिंग 24 आवर्स प्लांट जो है दो तरह की टाइमिंग स्पेंड करता है, डे टाइम और नाइट टाइम। अब डे और नाइट में क्योंकि होने वाले फिनोमिनन्स डिफरेंट हैं, इसलिए प्लांट उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में सनलाइट होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के अंदर सर्टन मैकेनिज़म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस। और अगर सनलाइट नहीं है तो नाइट टाइम है, नाइट टाइम में प्लांट कैसे बिहेव करता है और डे टाइम में अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो किस तरह से एडजस्ट करता है वो हम इसमें देखेंगे। डे टाइम में क्या होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाना लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स भी आप लोग 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। इसके साथ साथ डे टाइम में प्लांट में रेस्पिरेशन भी हो रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सारा टाइम होता रहता है, डे में नाइट में, क्योंकि हर सेल को हर वक्त एनर्जी चाहिए। अब अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी होती रहती है साथ साथ, और ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोडक्शन वाला जो स्टेप है वो होता है रेस्पिरेशन में। अब प्लांट्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है डे टाइम में, वहाँ साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रही है। अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रिकॉल करें आप, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और फूड की ब्रेक डाउन होगी, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ज़रा आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर अगर गौर करें तो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बन रही है वो है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन पे यूटिलाइज हो जाएगी रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यूटिलाइज हो जाएगी
फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से प्लांट डे टाइम में खुद को ऐसे मैनेज कर रहा है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड हो रहे हैं और एक के प्रोडक्ट्स दूसरे में यूटिलाइज हो रहे हैं और दूसरे से बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगले वाले रिएक्शन में यूज़ हो जाएंगे। लाइक फोटोसिंथेसिस से जब ऑक्सीजन बनेगी तो वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती जाएगी, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करते हैं। अब दूसरी साइड पर अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में प्लांट्स में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है जो है रेस्पिरेशन, बिकॉज नो सनलाइट मीन्स नो फोटोसिंथेसिस। नो डाउट क्लोरोफिल इज देयर, लेकिन क्लोरोफिल को काम करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। सनलाइट होगी तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी। अब रात के वक्त तो सनलाइट नहीं है, इसका मतलब वो दो प्रोसेस में से एक स्टॉप हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई। रेस्पिरेशन तो रात को भी होती रहेगी क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी बननी है, एनर्जी प्लांट्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें दिन में भी चाहिए रात में भी चाहिए, हर टाइम बहुत से सेल्स काम कर रहे होते हैं और उन सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रेस्पिरेशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट, उसने ऑक्सीजन यूटिलाइज करनी है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। डे टाइम में वो ये ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस से ले रहा था और उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती जा रही थी। इसका मतलब डे टाइम में प्लांट किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन रात में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी जो रेस्पिरेशन में यूज़ होनी है। रात में प्लांट्स अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन के दौरान वही दोबारा से साइकिल चलेगा, फूड की ब्रेकडाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसलिए ये उसके लिए एक्स्ट्रा है तो उसको बॉडी से रिलीज करेगा। इसीलिए बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। उसके एक रीज़न क्या है कि वहाँ पर प्लांट की या ट्रीज़ की सराउंडिंग में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकती है वहाँ पर। तो दिन और रात में प्लांट किस तरह से अपने अंदर के मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, वो भी आपने देख लिया कि दिन में होगी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बैलेंस करेंगी, और रात में होगी आपके पास सिर्फ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इसको जो भी चीज़ चाहिए वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करेगा थ्रू डिफ्यूजन या फिर स्ट्रोमेटा और लेंटिसेल से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके रिजल्ट में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बुक के चैप्टर नंबर 3 पर उसके बिल्कुल लास्ट पे एंड पे ब्लू बॉक्स के अंदर स्ट्रोमेटा की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आपने वहाँ पे हाईलाइट कर लेना है और याद भी वहीं से करना है। और ये सारी की सारी डेफिनेशंस और कंपैरिजन का टेबल मेन हेडिंग्स आपको इन्हीं स्लाइड्स में से मिल सकता है, यहीं से आपने बुक पे नोट करना है और कंपैरिजन को स्टिकी नोट पे पेस्ट करना है।